एक्सरसाइज 1.6 उसका पहला क्वेश्चन है, उसका पहला पार्ट है 2x - 2y = 4 और 3x + 2y = 6। इसको पहले हम बाई मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह, ये 2 - 2 3 और 2 और एक्स और वाई 4 और 6, ये कोफिशियंट जो है इनको अलग कर दिया और एक्स वाई को अलग कर, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो दोबारा ये चीज बन जाती है, और इसको ऐसे लिख दिया। अब ये जो पहला मैट्रिक है इसको ए फर्ज कर लेते हैं, इसको एक्स और इसको बी। पहले इसका डिटरमिनेंट लेते हैं, ए का, ए का डिटरमिनेंट लिया, इसको मार्ड ऐसे लगाया और इसको लाइनें भी इस तरह मार्ड की लाइनें लगा दी। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 और 3 2 -6, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए प्लस हो जाते हैं, 4 और 6 = 10, डिटरमिनेंट इसका 6 था 10 आ गया। अब जब देखें द सोल्यूशन इज पॉसिबल बिकॉज ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक। अब अगर मैट्रिक 0 के इक्वल का डिटरमिनेंट होता तो फिर आगे सोल्यूशन का पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब वो नॉन जीरो है तो उसका सोल्यूशन पॉसिबल है। उसके एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट में ये जो होते हैं डायगोनल, इनकी पोजीशन चेंज होती है, उनके साइन चेंज होते हैं, तो इसका एडजॉइंट ये आ गया। वी नो दैट, हम जानते हैं कि AX = B, ये ए था, ये एक्स है और ये इक्वल टू बी है। एक्स अपनी जगह आएगा तो ए दूसरी बस जाके ए इनवर्स बन जाएगा। अब एक्स की इक्वल है एक्स और वाई के, तो ए इनवर्स इक्वल होता है 1/a डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई ए एडजॉइंट के, ये इक्वल होता है और ये बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ए डिटरमिनेंट की वैल्यू 10 थी, ये मॉड की एडजॉइंट की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन गया, इसको मल्टीप्लाई कर 2 को 4 के साथ प्लस दरमियान में साइन 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, इस तरह -3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया और 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 4 8 प्लस 2 6 12 और नीचे -12 + 12 ये बन गया। आगे इक्वल टू 1/10 तो 20 और 0 बन गया ऊपर, तो ये एक्स और वाई इक्वल है, ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ 20 से और 10 0 से भी डिवाइड हुआ, 10 को अगर 10 को 20 से डिवाइड करें तो 2 आता है और 10 को 0 से डिवाइड करें तो 0 आता है। x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू ये 0 आ गई, तो इसका सेट सॉल्यूशन आ गया 2 और 0। पहले x की वैल्यू लिखते हैं बाद में y की वैल्यू लिखते हैं सॉल्यूशन में। अब इसको क्रैमर रूल के जरिए सॉल्व करते हैं। क्रैमर रूल में पहला जो है मैट्रिक्स है ये है 2 - 2 3 और 2 और b है 4 और 6। पहले a का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, a का डिटरमिनेंट 10 आ गया। अब ax फाइंड करते हैं, ये जो था डिटरमिनेंट ऑफ ax, अब इसकी जगह b की वैल्यू पुट करेंगे तो इस ax फाइंड होगा, यानी ये वाली x की वैल्यू है, यहाँ इसको 4 और 6, 2 और 3 की जगह 4 और 6 आ जाएगा, तो ये ax आ जाएगा। ये डिटरमिनेंट को फाइंड करके डिटरमिनेंट 20 आ गया। अब ay फाइंड करेंगे, ये 2 3 ऐसे ही रह गया तो इसकी जगह ये b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू 4 और 6 है, ये जगह आ गया तो इसका डिटरमिनेंट 0 आ गया। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a, ax का डिटरमिनेंट था 20 और a का डिटरमिनेंट था 10,
10 को 20 से डिवाइड किया तो टू आंसर आ गया। और इस तरह वाई की वैल्यू में निकालेंगे, ए वाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जीरो, ए वाई की वैल्यू है जीरो और टेन की वैल्यू, नीचे टेन डिवाइड करो तो वाई की वैल्यू आ गई जीरो, तो सॉल्यूशन सेट आ गया इनका टू और जीरो। तो हम फाइंड करेंगे कि हम पता चलेगा कि हमारा जो है आंसर वो ठीक है या गलत है। तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे एक्स और वाई की, एक्स इक्वल टू टू है और वाई इक्वल टू जीरो है। अब एक्स की जगह हम टू पुट करेंगे, माइनस वाई की जगह जीरो पुट करेंगे, तो ये इक्वल टू फोर, ये देखें टू टू आर फोर माइनस जीरो इक्वल टू फोर, ये आगे बन गया फोर इक्वल टू फोर। अब नीचे भी इक्वेशन में भी ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा थ्री एक्स क्यूब टू प्लस टू इंटू जीरो इक्वल टू सिक्स, ये आ गया सिक्स इक्वल टू सिक्स। ये वैल्यू पुट करेंगे कि दोनों साइड सेम बनती है तो पता चलता है कि हमारा आंसर ठीक है।